एवरीवन, मैं करुणा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। चलिए शुरुआत करते हैं। स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, बोन्स होती है और कार्टिलेजेस होते हैं। बोन्स और कार्टिलेज जो टिश्यू वाला चैप्टर है हम उसमें भी पढ़ते हैं, लेकिन बोन्स कितने होते हैं, कौन से पार्ट बॉडी पार्ट में कितने होते हैं, जॉइंट्स क्या है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ बताया हुआ है, बोन्स एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, हमारी बॉडी में 26 बोन्स होते हैं और कुछ कार्टिलेजेस होते हैं। ठीक है, जो बोन्स हैं, हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है उसको हमने दो में ग्रुप किया है, एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स आती है, जो हमारी मेन एक्सिस है बॉडी की, उसमें जो बोन्स हैं उसको हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, और हमारे जो लिम्ब्स हैं उनको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर। तो एक्सियल के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो हमारी स्कल जो है वो आती है, वर्टिब्रल कोलम आती है, स्टर्नम आती है, रिब्स आती है। तो ये सब चीजें किसमें आती है, एक्सियल स्केलेटन में। ठीक है, ठीक है। स्कल इज कंपोज्ड ऑफ टू सेट्स ऑफ बोन। स्कल की बात करें सबसे पहले तो इसमें दो सेट्स होते हैं बोन के, कौन कौन से, क्रेनियल जिसको कि हम ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, उसके अंदर जो बोन्स होती हैं उसको हम बोलते हैं क्रेनियल बोन्स, और फेस के अंदर जो होती है उसको बोलते हैं फेशियल बोन्स। इन दोनों को मिला के टोटल कितनी है, 22 बोन। जो क्रेनियल बॉक्स है वो कितनी होती है, 8, फेशियल कितनी होती है, 14, 14 फेशियल, 8 क्रेनियल, टोटल 22। ठीक है, हो गई। जो हमारा ईयर है, एक ईयर में कितनी होती है, 3, MIS, मेलियस, इनकस और स्टेपस। ठीक है, नेक्स्ट है फिर, ये दिखा रखा है, ये हमारा क्रेनियम वाला पोर्शन दिखा रखा है, और ये फेस वाला, फेस में जो बोन्स होती हैं वो सब। ठीक है, ये एक हायोइड बोन होती है टंग के पास। ठीक है, टंग वाले रीजन में, टंग के पीछे वाले रीजन में, उसको बोलते हैं हायोइड बोन। अब ये है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो है उसमें 26 बोन्स होती हैं। ठीक है, कैसे हैं, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोक्सियल। ये कितनी होती है, 7। ये कितनी होती है, 12। कितनी होती है, 5। ये 5, ये 1, फ्यूज होने के बाद। पहले होती है 3, 4, 5 तक, लेकिन फ्यूज होके एक बना लेती है। कोक्सियल भी कितनी होती है, 1। तो टोटल कितनी हो गई है, 26। देखिए, ये है सर्वाइकल रीजन, ये है थोरेसिक रीजन, लंबर, सैक्रल, कोक्सिक्स, ये दिखाया हुआ है। देखो यहाँ तक 7 ये, फिर 12 ये थोरेसिक वाली, फिर ये वाली लंबर, सैक्रल और फिर कॉकिक्स। ठीक है, ये देखो फिर रिब्स आ गई। रिब्स कितनी होती है, 12 पेयर। ठीक है, कितनी होती है, 12 पेयर होती है रिब्स हमारी बॉडी में, और किससे अटैच होती है, स्टर्नम से, वेंट्रली, डोर्सली, पीछे जा, पीछे की साइड से किससे होती है, वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रली किससे होती है, स्टर्नम से। जो फर्स्ट पेयर है, 7 पेयर, उनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। जो 7 पेयर है स्टार्टिंग के ये वाले, उनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स, और ये जो है 8th, 9th और 10th, उनको बोलते हैं हम फॉल्स रिब्स। 2 है लास्ट की, 11th और 12th, उनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, देखो जो है 8th, 9th, 10th, डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद स्टर्नम, बट जॉइन 7th रिब्स विद द हेल्प ऑफ हाइलेन कार्टिलेज। ये स्टर्नम से नहीं अटैच होते, लेकिन जो 7th पेयर है रिब्स का, उसके साथ अटैच होते हैं, किसकी हेल्प से, कार्टिलेज की हेल्प से। ठीक है, इसलिए इनको बोला फॉल्स रिब। ठीक है, और ये वाली है फ्लोटिंग रिब्स, ये कनेक्टेड नहीं होती वेंट्रली। ठीक है, रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड आर देयर फॉर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, फ्लोट मतलब जो तैरते रहते हैं, इस तरह से फील होती है कि तैरती हुई है। ठीक है, तो ये थोरेसिक वर्टिब्रा है, रिब्स है, स्टर्नम है, ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती है, रिब केज।
ठीक है, कोई आपसे पूछे रेप केस के अंदर को क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो आप कहोगे थोरेसिक वर्टिब्रे होते हैं, रिब्स होती हैं और स्टर्नम होते हैं। ठीक है, अब देखो हमारी लिम्स बोन आ गई जो क्या बनाती है, अपेंडिकुलर स्केल्टन। एक्सियल में क्या क्या थे, स्कल थी, रिब्स थे, ठीक है, और ये स्टर्नम था, और इसमें क्या क्या है, पेंडिकुलर में लिम्स हैं हमारी। ठीक है, जो हमारे लिम्स हैं वो कितना बनाती है, कितना बोन होती है उसमें, 30 बोन होती है एक लिम्स में। तो देखिए ये है फोर लिम्ब, यानी कि हाथ वाली लिम्ब। ठीक है, इसमें ये जो है ये वाली बोन है, इसको बोलेंगे हम ह्यूमरस। उसके बाद आएगी नीचे रेडियस और अल्ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली अल्ना, ये वाली रेडियस, ये जिसको रिस्ट बोन बोलते हैं, ये है कार्पल्स। इसके नीचे जो हथेली में है, पाम में, उसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। जो उंगलियों में है उसको बोलते हैं फेलेंजेस। ये सब मिलके कितनी बोन बनाती है, 30, क्योंकि फेलेंजेस कितने होते हैं, 14 होते हैं। पाम में कितनी होती है, 5। रिस्ट बोन कितनी होती है, 8। दो ये हो गई, एक ह्यूमरस, सबने मिलके कितना बनाया, 30, 30 बोन होती है। ये है ऊपर पेक्टोरल गर्डल, जिसमें कि 2 बोन है क्लेविकल और स्कैपुला। यहाँ पे जो कैविटी है, एक कैविटी, उसके उसको बोलते हैं ग्लेनोइड कैविटी, जिसमें जाके ह्यूमरस अटैच होता है। ये आगे भी आएगा गर्डल वाले पोर्शन। हाइंड लिम्ब की अगर बात करें तो हाइंड लिम्ब में भी 30 बोन होती है। कैसे होती है, एक फीमर होता है, फीमर, टिबिया फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फ्लैंजिस, सारी चीजें सेम है, लेकिन ये जो टार्सल्स होती है ना, ये 7 होती है। फिर 30 कैसी हो गई, इसमें तो एक कम है, उसमें 8 था कार्पल, इसमें टार्सल्स 7 है, एक ये एक्स्ट्रा ये है पटीला, जिसको नी बोन बोलते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, 30 हो गई। ठीक है, देखिए टिबिया फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलेंजिस, ये क्या है, नी बोन। ठीक है, यहाँ ये 7 है, इसके बदले में ये है नी बोन, तो 30 हो गई इसमें भी। ठीक है, अब ये है गर्डल, जो हाथ में होता है ना फोर लिम्ब में, उसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। जो पैर में होता है ना लोअर लिम्ब्स में, उसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल। ठीक है, तो गर्डल 2 हाफ्स होते हैं। हम एक हाफ की बात करें तो एक ही साइड, एक ही साइड। हम एक साइड की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, क्लेविकल और स्कैपुला। देखो ये वही चीज दिखा रखी है, क्लेविकल जिसको हम ये कॉलर बोन भी बोलते हैं, और ये स्कैपुला, यहाँ पे एक कैविटी है जिसको क्लिनोइड कैविटी बोलते हैं, जहाँ पे जाके ह्यूमरस अटैच होता है। ठीक है, अब है पेल्विक गर्डल, इसमें भी 2 हाफ्स होते हैं, 2 कोक्सल बोन्स होती हैं। अगर हम एक कोक्सल बोन की बात करें एक साइड की, तो उसमें 3 होती हैं, कौन कौन सी, इलियम, एशियम और प्यूबिस। ठीक है, देखो ये वाले इलियम, एशियम और प्यूबिस, ठीक है, कोक्सल बोन की ही 3 बोन है, इलियम, एशियम और प्यूबिस। अब है जॉइंट्स, जॉइंट्स क्या है, असेंशियल फॉर ऑल मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी, इन सब की मूवमेंट्स के लिए बहुत जरूरी होती हैं जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स कितनी तरह की होती हैं, जॉइंट्स जानने से पहले कितनी तरह के होते हैं, हम ये जानते हैं कि किस किस के बीच होते हैं। 2 बोन्स के बीच भी हो सकते हैं और बोन और कार्टिलेज के बीच भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम क्लासिफाइड करते हैं जॉइंट्स को 3 टाइप में, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। ये जो फाइब्रस है ये स्कल में होते हैं, ये मूवमेंट शो नहीं करते। ठीक है, देखो फाइब्रस जॉइंट्स डू नॉट फॉलो एनी मूवमेंट, मूवमेंट शो नहीं करते। दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स इज सॉल्व बाय फ्लैट स्कल बोन्स। ठीक है, अगर स्कल बोन में मूवमेंट हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए यहाँ जो जॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, फाइब्रस। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं, विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जो वर्टिब्रे में जो जॉइंट्स होते हैं वो होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, ये लिमिटेड मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, फिर है साइनोवियल जॉइंट्स, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फ्लूड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ 2 बोन्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं काफी, देखो बॉल एंड सॉकेट्स जॉइंट्स,
किसके बीच होता है, एग्जाम्स में आते हैं ये, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच। ठीक है, अभी बताया ना जो पेक्टोरल गर्डल और ह्यूमरस अटैच होते हैं तो उनके बीच कौन सा जॉइंट होता है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर है हिंज जॉइंट्स, जो नी जॉइंट्स है उसमें कौन सा है, हिंज जॉइंट। यह है पिवोट जॉइंट, एटलस और एक्सिस वर्टिब्रा के बीच जो जॉइंट है। ठीक है, ग्लैंडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स, ये जो रिस्ट बोन है ये जो इनमें जो है जॉइंट उसको बोलते हैं ग्लैंडिंग, जिसकी हेल्प से मूवमेंट होती है। सैडल जॉइंट्स बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाटार्सल्स ऑफ थंब। ठीक है, ये है सैडल जॉइंट्स, ये थे जॉइंट्स। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा।